चेहरे पर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे हो गए हैं, सन टैनिंग हो गई है, चेहरे पर झुइयां झाइयां बहुत ज्यादा बन गई हैं, काला पड़ गया है चेहरा, सब कुछ करके देख लिया, महंगा सा महंगा ट्रीटमेंट भी अगर आपने करवा लिया है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं दिखा है, चाहते हो एकदम बॉलीवुड सेलिब्रिटी के जैसे अपने चेहरे को करना, तो आज के इस दही के फेशियल को बना के देख लो किस प्रकार से करना है, सब डिटेल में बताया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नु मित्र फते, बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है। आशा करती हूँ आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे, रेमेडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए जी, जिस जिसने कम्प्लेन किया था कि दी आप दही वाला फेशियल नहीं लेके आ रहे हैं, कर्ड फेशियल क्यों नहीं लेके आ रहे हैं, आज ही उनकी कम्प्लेन जो है मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ। लेके आ गई हूँ मेरा मोस्ट इफेक्टिव, मेरा मोस्ट रिजल्ट देने वाला फेशियल, जी हाँ, जो की है कर्ड फेशियल। ये एक्चुअली एक ऐसा फेशियल है जो बहुत आसानी से आप घर पर कभी भी बना सकते हैं। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, कुछ नहीं है घर पर, ना स्क्रब है, ना ही आपके पास कोई क्रीम है, फेशियल क्रीम है, दही आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिकल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लग रही है तो आपको दही को अपनी स्किन पर सही तरीके के साथ लगाना आना चाहिए, दैट्स इट, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में, दही में होता है मॉइस्चराइजर बहुत सारी मात्रा में, दही आपकी स्किन को मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, फेयर करता है, दही के जो बैक्टीरियाज होते हैं गुड बैक्टीरियाज, क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया होता है, वो आपकी स्किन के ऊपर बनने वाले बैड बैक्टीरियाज को हटा के, उन बैक्टीरियाज को किल करके आपकी स्किन के ऊपर लाता है गजब का निकाल। तो दही एक अपने आप में ही एक पूर्ण औषधि है, अगर आपको सही तरीके से उसको लगाना आता हो तो। तो सबसे पहले ले लेते हैं, बातें करते करते मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, मेरी स्किन कैसी लग रही है प्लीज बताना जरूर, क्योंकि मुझे मेरी स्किन में थोड़ा सा और चेंज लग रहा है। एक्चुअली मैं पिछले एक हफ्ते से एक रूटीन फॉलो कर रही हूँ जो कि मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है, जल्दी शेयर करूंगी, बस दो दिन और रुक जाइए, क्योंकि पांच दिन हो गए मुझे उसको शेयर करते हुए, और मुझे मेरी स्किन में ना थोड़ा थोड़ा सा और ज्यादा निखार दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे अपने आप में फील हो रहा है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है तो प्लीज बताना जरूर, क्या मेरा कलर पहले से और ज्यादा ब्राइटन अप हो रहा है, या हाइड्रेट लग रहा है, या फिर खराब लग रहा है, कुछ भी है प्लीज बताना जरूर। कमेंट आपने करना है प्यारे से कमेंट के साथ में, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, आपको अगर रिजल्ट मेरी स्किन पे दिख रहा है तो एक कमेंट जरूर करना, उस रेमेडी को जल्दी शेयर करूंगी। दो दिन और है, क्योंकि सात दिन मैं किसी भी रेमेडी को देती हूँ, पांच दिन हो गए और पांच दिन में ही मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं सोचा आज आपको बता ही दूं कि स्किन के ऊपर कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताना जरूर। आज की रेमेडी शेयर करते हैं, हम लोग को लेना है सबसे पहले एक बाउल, और उसमें हम लेंगे जी दही, अगर हो सके तो खट्टा दही लीजिए, अगर दही आपके पास आप फ्रेश खोले हैं, पैकेट खोले हैं, घर का जमाए हैं, उसको आप थोड़ी देर के लिए निकाल के बाहर रख दीजिए, दो से तीन घंटा रखेंगे किसी छन्नी के साथ में, तो उसका जो पानी होगा एक तो वो निकल जाएगा सारा का सारा, दूसरा वो थोड़ा सा ना खटास उसमें पैदा हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है घर में जो दही हम जमाते हैं वो मीठा जमता है ना, तो हमें उसको थोड़ा सा खट्टा करना है, लेकिन अगर नहीं कर पाए, टाइम नहीं है, अभी के अभी करना है, तो भी दही को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सके तो उसमें एक से दो ड्रॉप नींबू के ऐड कर लेना, नहीं तो नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, हो सकता है थोड़ा सा आपको रिजल्ट वेरी मिलेगा, मतलब मेरे ऊपर जितना आएगा उससे हो सकता है कम ज्यादा मिले, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, जैसे कि मैं ले रही हूं दो चम्मच दही हम इसमें लेंगे, ठीक है जी, और इसको हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। दही में ना लम्स होते हैं थोड़े से, और जब हम क्रीम अपने फेस पे लगाते हैं ना तो वो अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर लगे, उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए इस प्रकार से आपको ना इसको मिक्स करना है, दो मिनट के लिए करेंगे आपकी स्किन के ऊपर बढ़िया वाला एक क्रीम के लिए एक पैक तैयार हो जाएगा, क्रीम तैयार हो जाएगी आपकी स्किन के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने ले लिया, दही हमारे कलर को बहुत बढ़िया से ब्राइटन अप करता है, हमारी स्किन के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए दही अपने आप में ही पूर्ण औषधि है। इसके साथ में मैं यूज करूंगी हर्षी का डिब्बा, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें एक्चुअली खांड रखी हुई है मेरी। ये खांड क्या होती है पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, जो नए मेंबर्स है मेरी फैमिली में उनको मैं बता देती हूँ, अच्छा मैं उनका स्वागत भी कर देती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं हूँ रेखा सिंह, मेरे चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ, यहाँ पर इसी तरह के DIYs आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अगड़म शगड़म नहीं खरीदना है, सब कुछ आपके किचन में राइट नाउ अभी भी अवेलेबल है। अगर आप पहली बार आए हैं
प्लीज एक बार फील फ्री होके मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में घूम के आइए, आपको इतनी सारी पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप खुद ब खुद बढ़ बढ़ के रेमेडीज को करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही लाइक और सब्सक्राइब आपको मेरे वीडियोस रेगुलर दिखाएगा। विद बेल आइकॉन करेंगे तो रोज आपको खुद ब खुद आपकी नोटिफिकेशन बेल में मेरा वीडियो स्वागत करती हूँ। अगर आपने पहले से ही लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, तो हमारे इस फैमिली का मेंबर होने के लिए मेरी पूरी रेखा सिंह लाइफ फैमिली की तरफ से दिल से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी खांड, अगर आप देख सकते हैं तो ये इस तरह से होती है। स्किन के ऊपर एक स्क्रबिंग तो करेगा ही, आपकी स्किन की डेड स्किन को हटाएगा। आपकी स्किन के ऊपर जो हमें एक ग्लो चाहिए होता है, जिसको पाने के लिए हम मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वही चीज आपको इसमें जो खांड में मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन भी बता दूं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो नए नए जुड़ते हैं ना, उनको मालूम नहीं रहता। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ये खांड नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑप्शन क्या ले सकते हैं, गांव खेड़ा में जाएंगे तो वहां पर आपको ना खांड जरूर मिलेगी, क्योंकि खांड उनकी रेगुलर डे टू डे लाइफ का हिस्सा होती है। वहां घी में डाल के या घी में डाल के, घी और चीनी मिक्स करके, कौन कौन इस बात को स्वीकार करेगा, कौन कौन चीनी सॉरी खांड और घी को मिक्स करके चावल के साथ मैश करके खाता है, प्लीज मुझे बताना जरूर। नॉर्मली नॉर्थ साइड में मेरी सिस्टर, क्योंकि जहां पर उनकी शादी हुई मैंने उनके यहाँ पर देखा था, उनकी यहीं से स्टार्ट हुआ एक्चुअली खांड का सिलसिला। उनकी जो मदर इन लॉ थी, वो जब भी हम उनके घर जाते थे वो चावलों के साथ हमें खूब सारा घी देती थी और घी के ऊपर खांड डाल देती थी। तो मेरी सिस्टर बोली ये सबसे अच्छा फूड होता है और सबसे हेल्दी फूड होता है, तुमको खाना चाहिए। तो हम भी उसको मीस मीस के, बढ़िया से उसको मीस मीस के खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। कौन कौन खाता है प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। खास तौर से जो जाट फैमिलीज होती है, जो हमारे नॉर्थ इंडियंस है, जाटों के घर में मोस्टली ये चीज खाने को मिलती है, क्योंकि प्योर चीजें होती है भैया उनके घरों में। आप कभी जाओ उनके घर की दावत लेके आओ, बहुत बेस्ट खाना मिलता है। तो हमें वहीं से ही, मुझे तो खैर इसका खांड का वहीं से पता चला, स्किन के ऊपर लगाने का। तो जब मैंने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना शुरू किया, मुझे लगा अरे यार क्या गजब की चीज है, खाने के साथ में हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये हमने ले लेनी है खांड। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आपको इसमें या तो चावल का आटा यूज करना है, नहीं तो मसूर दाल का पाउडर आप यूज करो, दरदरे वाला ब्राउन जो पाउडर वाला है वो नहीं लेना, वो क्रीम के लिए मैंने आपको बताया है। अब इस पाउडर को कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो तो पूरा वीडियो जाके देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं तो यहीं पे सुन लो। चावल को, मसूर की दाल को हल्का सा रोस्ट कर लो, अगर आप दोनों को मिक्स करके करना चाहते हो, अलग अलग कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत रेमेडीज में मसूर दाल अलग डलती है, चावल का पाउडर भी अलग डलता है। तो आपको हल्का हल्का सा उसको रोस्ट कर लेना है, रोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड कर लेना है और उसको फिर छान लेना है। छानने के बाद में बारीक वाला जो पाउडर मिलेगा वो आपके क्रीम में यूज में आएगा, और जो दरदरा वाला मिलेगा वो आपके स्क्रबिंग में यूज में आएगा, ठीक है। अब ये क्रीम में मैं दोनों काम कर रही हूं, मैं क्रीम भी यूज कर रही हूं और साथ ही साथ मैं स्क्रबिंग भी कर रही हूं, इसलिए मैंने इसमें खांड ली है। अगर आपके पास खांड नहीं है, आप कॉफी भी ले सकते हैं, आप चावल का आटा ले सकते हैं, आप मसूर दाल ले सकते हैं, और कुछ और याद आ रहा है तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कर देना, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया, अब इसके साथ में हम इसमें क्या डालने वाले हैं, ऐसी चीज जो इसको और ज्यादा पावरफुल करेगी, तो वो है जी मेरा वाइटमिनी का कैप्सूल। दो बचे हैं मेरे पास, नए लाने वाले हो गए हैं, क्योंकि मैं खाती भी हूं। अच्छा, मैं पिछली वीडियो में ना मुझसे पूछा था कि दीदी वाइटमिनी कौन सा लेते हो आप, विटामिन कौन सा लेते हो, तो मैं यहाँ पर आंसर दे देती हूँ। देखिये, मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ए टू जेड करके जो वाइटमिन आते हैं आप वो ले लो, क्योंकि ए टू जेड में सारे विटामिन सारे मिनरल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आपके बाल गिरेंगे, आपकी स्किन के ऊपर एजिंग प्रोसेस ज्यादा होगा, आपकी स्किन लटक जाएगी, झूल जाएगी, इनकेस अगर आपको साइनस है, तो भैया आप में विटामिन B12 पक्का डेफिनेटली है ही, उसकी डेफिशिएंसी है ही। मेरे साथ ही हो चुका है, मैं इस चीज को भुगत चुकी हूं। मैं 2 साल मेरे बहुत गंदे निकले थे जब मेरे अंदर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आई थी। मैंने मेरा थ्रू आउट चेकअप कराया था ब्लड का, उसमें मुझे पता चला मेरे अंदर क्या क्या कमी है। एक तो हम बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ पर धूप मिलती नहीं है, तो विटामिन डी मेरे अंदर बहुत ज्यादा कम था। कि अगर डेफिशिएंसी आपको अगर आपकी स्किन में आ गई तो बड़ा बुरा है, वो भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो विटामिन डी की कमी मत होने दीजिए, और विटामिन B12 अगर आपके अंदर है तो उससे रिलेटेड खाना का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आप ए टू जेड करके जो टैबलेट आती है ना, या केमिस्ट से या डॉक्टर से जाके पूछ लो एक बार, लेकिन ब्लड टेस्ट जरूर करा लो। मैं
विटामिन ई का कैप्सूल भी वीक में कम से कम 3 से 4 तो ले ही लेती हूँ। इसलिए अगर मैं मुंह से भी विटामिन ई को काटती हूँ तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। हमारे शरीर के साथ साथ में हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो मैं इसको अभी भी मुंह से ही काटने वाली हूँ। तो एक मैं डाल रही हूँ एक बार का, क्योंकि फेशियल कर रहे हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप 2 कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अभी ये आपने बनाना है, आपके पास दही है, आपके पास खांड है, या फिर जो भी पाउडर्स मैंने आपको बताए हैं वो है, लेकिन आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तो आप इसमें डालेंगे जी ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, मतलब कि बादाम का तेल डाल सकते हैं, या फिर आप जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। तो ये 3 चीजें देखिए मिल गई हैं बहुत बढ़िया से। आप चाहो तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो, वो है कॉफी। कॉफी आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से पॉलिशिंग करती है, लेकिन सेम इम्पैक्ट आपको मेरी खांड भी दिलाएगी अगर आप इसका सही यूज जान गए तो। ठीक है जी, तो ये तैयार है हमारा आज का क्रीम। इसको लगाना कैसे आपके सामने लगाऊंगी, मेरे फेस के ऊपर कुछ नहीं है सिवाय मेरी क्रीम के। आप देख सकते हैं मेरी स्किन के ऊपर कुछ नहीं लगाया है। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि मैम हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के लिए कौन सी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करें, तो देखो मैं आपको जो सजेस्ट करूं अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर ले लो, बहुत अच्छी क्रीम है, हर स्किन टाइप को सूट करती है। मैंने इसको टेस्ट मतलब ट्राइड एंड टेस्ट बोल सकते हैं ना, कि मेरे घर में भी सब लोग उस क्रीम को लगाते हैं और सबका स्किन टेक्सचर अलग है, लेकिन सबको वो क्रीम जो है वो सूट करती है। बहुत लोगों को महंगी महंगी डर्मा वर्मा वाली क्रीमें सूट नहीं करती हैं, लेकिन नॉर्मल सस्ती क्रीमें सूट कर जाती हैं। तो सस्ते में निविया भी आती है, आप निविया भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे फेस पे कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी क्रीम है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। आपके फेस के ऊपर अगर मेकअप है या बाहर से कहीं से आए हैं तो प्लीज एक बार फेस को वॉश जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे बढ़िया से, और उसके बाद हम करेंगे जी मसाज। देखो जी, इसको करने के बाद मैं वैसे तो आपको अपनी स्किन के ऊपर ना एक ग्लो वैसे ही दिखाई देने लग जाएगा, लोग तो वैसे ही पूछने वाले आपसे, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बाद में आपको कोई क्रीम चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, अभी लास्ट में इसके साथ में ही बता दूंगी कौन सी क्रीम आप रात को ऐसी लगा के सोएं जो आपके एजिंग के ऊपर काम करे, आपके रिंकल्स और झाइयों को आने से रोके, और अगर आ गए तो उनको आप कैसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं, या अगर बहुत ज्यादा एज हो गई है, पहले से कुछ किया ही नहीं है कभी भी कोई स्किन केयर फॉलो, तो आपकी स्किन के ऊपर आया ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्किन की हेल्थ को इंक्रीज करो, आप अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करो, वो अगर इम्प्रूव हो गया रिंकल्स फाइन लाइंस कोई मैटर नहीं करती है। तो ये देखो जी इस तरह से हम लगाएंगे और बढ़िया सी मसाज देंगे। मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और उससे हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब भी आप अपनी स्किन के ऊपर कोई बढ़िया सी रेमेडी कर रहे हो मसाज डेफिनेटली दो, ताकि आपकी स्किन के ऊपर जो रेमेडी आप लगाए हो उसका पूरा असर आपकी स्किन ले सके। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है जिनको हमारी स्किन जो है ना पहचानती है, क्योंकि वो खाती है, हम दही खाते ही हैं, हम खांड यानी चीनी हम खाते ही हैं, विटामिन सी भी विटामिन ई कैप्सूल भी हम लेते ही हैं, तो हमारी स्किन तो भैया अच्छे से पहचानती है। तो अगर हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से यूज करेंगे ना तो हमारी स्किन इसका रिजल्ट भी हमें अच्छा वाला ही देगी। तो बस इस तरीके से आपको इसको मसाज करना है, ठीक है जी, और उसके बाद में आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। हो सके तो एक लेयर अपनी स्किन के ऊपर दही की और लगा के इसको छोड़ दीजिए। देखिए दही है ये सूखेगा नहीं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मत सोचेगा कि हमें इसको कितनी देर तक रखना है, सुखाने के लिए रखना है कि नहीं, तो भाई ये सूखेगा नहीं, इसको आपने 10 मिनट दे देना है बस ऐसे ही, ताकि आपकी स्किन के ऊपर अपना इम्पैक्ट पूरा का पूरा डाल सके। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद में जब मैं इसको वॉश करूंगी। तो ये देखिए जी काफी हद तक ये टाइट हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने खांड भी डाली है, हमने इसमें दही डाला है, हल्का सा टाइट हुआ है, कोई सूखा नहीं है, गीला ही है लेकिन थोड़ा सा स्टफ लग रहा है। तो अब मैं इसको टॉवल से पोंछती हूँ और आप देख, क्या बात है, कितना बढ़िया रिजल्ट आया, एकदम क्लीन हो गया फेस, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप घर पे कोई काम किए हैं या घर की रेमेडी आप कोई यूज किए हैं, इतना बढ़िया सा क्लीन एकदम फेस लग रहा है, इतना सॉफ्ट इतना सफल, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा इसके साथ ही अब मैं आपको क्रीम बता देती हूँ, क्योंकि वो क्रीम ऑलरेडी मैंने तो बहुत सारी बना रखी है तो मैं और नहीं बना रही हूँ,
ठीक है। मैं आपको क्रीम बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको लेना है एलोवेरा इस तरह से, ठीक है, कोई भी ब्रांड का ले लो, मेरे पास ये वाला एलोवेरा है। इसमें आपने डालना है, मतलब जैसे आपने ले लिया एलोवेरा एक चम्मच के आसपास, आप थोड़ा ज्यादा बना के रख लो, एक चम्मच एलोवेरा ले लो और उसमें आपको डालना है विटामिन ई का कैप्सूल, एक पूरा कैप्सूल डल जाएगा एक चम्मच के एलोवेरा में, ठीक है। दोनों को डाल के अच्छे से आपने तब तक मिक्स करना है जब तक कि उस एलोवेरा का कलर ना चेंज हो जाए, चाहे वो आप येलो कलर का ले लो चाहे आप ग्रीन वाला एलोवेरा ले लो, जैसे कि ये ग्रीन है लेकिन इसका कलर हो जाएगा एकदम व्हाइट। इनफैक्ट अगर आप व्हाइट ट्रांसपेरेंट वाला भी एलोवेरा ले रहे हैं उसमें भी जब आप विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो दूध के जैसा हो जाएगा। तो जब तक वो दूध के जैसा ना हो जाए तब तक आपने उसको फेंटते जाना है, ठीक है। अगर स्किन ड्राई है तो आप इसमें ऑयल ज्यादा करेंगे, यानी कि विटामिन ई दो कैप्सूल डालेंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। रोज वाटर ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। आशा करती हूँ आपको आज की टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही आप भूल जाते हैं, जाने से पहले ये करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, जहाँ पर शेयर करूंगी फिर आपके साथ बढ़िया से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।